भाइयों और बहनों, काल मैंने एयरपोर्ट से जब आया, आते आते मैंने ओएसी जी का एक वीडियो देखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है कि आप स्टेज में, और पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है और पुलिस भी बेसरा सुन रहा है। एक बार सोचिए, अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तब किसी का हिम्मत भी होगा ऐसे पुलिस को गाली देने का? खाली आप लोग एक बार सोचिए, तेलंगाना में कमी क्या है? एक बार अगर बीजेपी सरकार हो जाते हैं ना, तो तेलंगाना में तुष्टीकरण का राजनीति भी खत्म हो जाएगा और देश भी और तेलंगाना भी सीधा रास्ता में चलना शुरू कर देगा। और बहनों, मैं तो हैरान हो गया जब एयरपोर्ट ने मुझको किसी ने ये वीडियो दिखाया। अभी वो वीडियो देख के मुझको लग रहा था कि देश में हमारे अभी भी डेमोक्रेसी चल रहा है कि अभी भी देश में मुगल जैसा, राजाकार जैसा शासन चल रहा है हमारा देश को आगे बढ़वाना है। ऐसे और जगह में था, यूपी में भी ऐसा करता था, असम में भी ऐसा करता था, लेकिन जब बीजेपी का सरकार बन गया यूपी में, असम में, हम थोड़ा थोड़ा टाइट देने का काम किया। अभी किसी का हिम्मत भी नहीं होता है पुलिस को धमकाना, सरकारी ऑफिसर को धमकाना, वो किसी ने अभी हिम्मत भी नहीं करते हैं। तेलंगाना में अभी चुनाव आ रहा है, मैंने देखा कांग्रेस भी एक ही वर्ग को तुष्टीकरण के लिए काम कर रहा है, बीआरएस भी एक ही वर्ग को तुष्टीकरण के लिए काम कर रहा है। जैसे लग रहा है कि तेलंगाना में और कोई नहीं रहता है, खाली एक ही कम्युनिटी रहता है और कोई नहीं रहता है। भाइयों और बहनों, हमें तेलंगाना को बदलाना है, हमें तेलंगाना में परिवर्तन लाना है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में तेलंगाना में हमारे सरकार बनाना है, यह संकल्प हमें लेना है।